हेलो दोस्तों, मैं राहुल कमल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो कोई गाड़ी नहीं, वो है TVS का स्कूटर। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है जिसकी चाबी जो है वो मेरे हाथ में है। कुछ इस तरीके की ये की है, देखिए कितनी एडवांस की है, जैसे कि महिंद्रा की गाड़ियों की होती है वैसी ही है। ये आपके सामने जो है वो है TVS का EV स्कूटर, जो कि TVS ने ओला स्कूटर के कम्पिटिटर में उतारा है। ओला स्कूटर से तो इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी शानदार लग रही है, देखिए कितनी मस्कुलर हैवी रोड प्रेजेंस लग रही है। ऐसा नहीं लगता है जैसे कि कहीं से भी ये EV स्कूटर है, ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल स्कूटर है। देखने में कितना शानदार लग रहा है, अच्छी रोड प्रेजेंस होने के साथ साथ इसका अच्छा बैटरी बैकअप भी है। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 100 किलोमीटर तक चलती है। अब ये कंपनी जो क्लेम कर रही है वो तो हम इसको चला के देखेंगे कि बाकी इतना चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन कुछ भी सही, स्कूटर जो है देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है। पीछे से इसकी जो टेल लैंप है ये देखिए कितनी शानदार इसकी लग रही है। इसमें डबल शॉकर कंपनी ने इसमें दिए हैं जो कि ओला में आपको नहीं मिलते हैं। ओला स्कूटर में जो है ये देखिए इसके पीछे का सस्पेंशन शॉकर है कितना मजबूत है, वहीं ओला में इसमें एक ही आपको सस्पेंशन शॉकर मिलता है जो कि आगे वाले टायर में है। और ये एक इसकी जो बैटरी मोड है वो इसमें पीछे की तरफ ही दे रखी है। दूसरा, अगर हम ओला से इसको कंपेयर करें तो ओला से कहीं ज़्यादा इसकी मस्कुलर बॉडी और हैवी बॉडी देखने को मिलती है, जो कि ओला में आपको नहीं देखने को मिलती है। TVS का IQ स्मार्ट ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपको करीब करीब 1.5 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ता है। कंपनी इसमें ये क्लेम करती है कि 0.42 सेकेंड में ये 40 किलोमीटर तक पिकअप उठाता है। अब इसका पिकअप जो है वाकई बहुत ज़बरदस्त है। आगे वाले टायर में कंपनी ने इसमें डिस्क भी दे रखी है। सामने से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, कितनी बेहतरीन इसकी जो लाइटें हैं, जो इसके DRL दे रखे हैं, देखिए ये इसकी लाइटें हैं जो कि दिन में जलते में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुंदर लगती है। और लाइट में इसमें LED सेटअप जो दे रखा है वो इसको बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। कंपनी ने इसके आगे जो है सस्पेंशन में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डबल शॉकर दिए हैं, मतलब कि कमी ओला में, मतलब ओला में आपको एक सिंगल शॉकर मिलता है आगे को, जिससे कि आप दचकिया में या फिर गड्ढों में कहीं जाते हो तो वो एकदम से टूट जाता है। ये देखिए इसमें एक शॉकर ये रहा और एक शॉकर ये रहा, दो शॉकर इसमें कंपनी ने दिए हुए हैं। ये देखिए डिस्क के साथ डबल शॉकर, जिससे कि क्या है इसकी जो है मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए भाई, आने वाला समय जो है वो EV का होने वाला है, इसीलिए कंपनी भी इसमें ज़्यादा मेहनत करके एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रही है। वो आपको ऐसी बेहतरीन चीज़ देना चाहती है जिससे कि आप पेट्रोल के कंपैरिजन में उसको कहीं ज़्यादा मजबूत पाएँ। अब ये देखिए इसका जो है स्पीडोमीटर है, ऐसा नहीं लगता है कहीं से ये स्कूटर का स्पीडोमीटर है, ऐसा लगता है जैसे कि कार का, किसी का, बड़ी गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। कितना शानदार, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए IQ का साइंस आ गया है। और ये इसकी इतनी बड़ी बैटरी, भाई साहब इसका ये चार्जर है जो कि कितना हैवी चार्जर है, आप इसे साथ में लेके कहीं भी जा सकते हो। तो भाइयों, मेरे हिसाब से तो ये स्कूटर एकदम परफेक्ट है भाई। 1.5 लाख रुपये में आप क्या ही लोगे, EV स्कूटर आपको मिल रहा है जो कि 100 किलोमीटर तक चल रहा है और 40 सेकंड के अंदर आपको 40 किलोमीटर का पिकअप दे रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक और वेरिएंट है जो कि आपको 70 किलोमीटर तक की बैटरी चार्ज करके देगा, 70 किलोमीटर मतलब एक बैटरी में चलेगा, वो दूसरा ऑप्शन है। वो आपको इससे थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, 1 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा 100 किलोमीटर तक चलता है तो थोड़ा सा इसकी बैटरी हैवी होने के कारण इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। बाकी मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, कि कंपनी इसकी बैटरी को थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल बना सकती थी, लेकिन मे बी आगे इसमें कोशिश करेगी और इसको अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। तो 1.5 लाख रुपये में ये है TVS का स्कूटर जो कि EV है, बहुत अच्छा स्कूटर है, देखने में अच्छा लग रहा है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, बाकी सब बढ़िया है। आप कोई EV स्कूटर सर्च कर रहे हो तो एक बार इसको ज़रूर चेक करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली